तुम मत रही उदास क्योंकि हम आगे सियास इंग्लिश पिटा लेकर और आपका स्वागत स्वैग से करते हैं। नहीं, आज सब जिक फॉर एग्रीमेंट का रूल देखा जाए, आज 26 रूल्स है। देखा जाए कोई भी सेंटेंस में अगर उसका सब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव हो या जेरंड हो तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। कैसा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब, इन्फिनिटिव हो या जेरंड हो। अब आप ये पूछना चाह रहे होंगे कि इन्फिनिटिव कैसा होता है, जेरंड कैसा होता है। देखिए, टू प्लस वी वन का ही लिखा जाएगा, टू प्लस वी वन, जैसे टू स्विम, टू रन, टू प्ले, टू सिंग, इसको क्या बोलेंगे? इन्फिनिटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इन्फिनिटिव बोलेंगे, ठीक है, टू प्लस वी वन। अब देखा जाए और वी वन प्लस आई एनजी लगा रहेगा, वी वन प्लस आई एनजी लगा रहेगा, इसको जेरंड बोलेंगे, जैसे रनिंग, स्विमिंग, प्लेइंग, सिंगिंग, इसको क्या बोलेंगे? जेरंड बोलेंगे। जब इन्फिनिटिव का जब चैप्टर पढ़ाएंगे, जेरंड का पढ़ाएंगे, तो आप बढ़िया से पूरा रूल्स बताएंगे। अभी आपको पहचानना सिखा रहे हैं कि जेरंड कैसा होता है और इन्फिनिटिव कैसा होता है। तो टू प्लस वी वन क्या हो जाएगा? इन्फिनिटिव, और गिवन में आई एनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? जेरंड, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, चलिए। तो टू स्विम डैश ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग डैश ए गुड एक्सरसाइज, ऑप्शन इज आर है, बोले क्या होगा? तो टू प्लस वी वन है, टू स्विम ये आपका इन्फिनिटिव है, तो बोल रहा है कि इन्फिनिटिव हो या जेरंड हो, लगाना है आपको सिंगुलर वर्ब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इज, और ये जेरंड है, ठीक है, तो कैसा वर्ब लगेगा जी? सिंगुलर वर्ब, तो क्या हो जाएगा? इज। तो ऐसा कहीं भी क्वेश्चन लिखा जाएगा आप क्या लगाएंगे? सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब रूल 26 क्या बोल रहा है? डबल इन्फिनिटिव, जैसे कि अभी भी इन्फिनिटिव रहेगा लेकिन डबल रहेगा इन्फिनिटिव, डबल जेरंड, जेरंड रहेगा लेकिन डबल जेरंड रहेगा, तो अब क्या करेंगे? अब लगाना है प्लूरल वर्ब। हा, कोई दिक्कत है क्या? डबल रहेगा तब ऐसा करना है, ठीक है। तो देखिए, टू रन एंड टू स्विम डबल है, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव, एंड से कनेक्ट कर दिए, डबल है, तो लगाना कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब, तो क्या होगा? इज किया, तो आर होगा, ठीक है। यहां रनिंग एंड स्विमिंग जेरंड है, ये भी जेरंड है, और एंड से कनेक्ट कर दिए, तो कैसा वर्ड? प्लूरल वर्ड, आर हो जाएगा। तो चलिए, अब ऐसा क्वेश्चन कहीं भी लिखा रहेगा आप बना सकते हैं खुद से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डिजिट हो या नंबर हो, डिजिट हो या नंबर हो, आपको लगाना है सिंगुलर वर्ड, है ना। जैसे देखा जाए, वन किलोमीटर इज यार, तो ये बोलेगा इज होगा, 5 किलोमीटर इज किया, तो बोलेगा आर होगा, क्योंकि 5 किलोमीटर का बात हो रहा है। आप ये जान लीजिए, कोई भी डिजिट हो आगे लगा हो या नंबर आगे लगा हो, 5 किलोमीटर हो, 5 मीटर हो, 5 मीटर हो, 1 मीटर हो, है ना, 2 मीटर हो, 2 किलोमीटर हो, है ना, ये कहीं भी ऐसा लगा रहेगा, आपको देखना है कि डिजिट है ना, नंबर है ना, आपको लगाना है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। डिजिट हो या नंबर हो, ठीक है, तो कैसा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब। ये नहीं सोचना है कि 1 किलोमीटर है तो इज लगाएंगे और 5 किलोमीटर बोलेंगे तो आर लगा देंगे, लगेगा सिंगुलर वर्ब ही, समझे, ठीक है। तो बोलिए, 1 किलोमीटर डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस इज क्या? इज। 5 किलोमीटर डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस इज क्या? तो इज, ठीक है। जल्दी से इसका क्वेश्चन सोच लिया जाए, अब रूल देखेंगे 29, देखा जाए 29 रूल, मिजल्स हो या मंक्स हो, ये कोई बीमारी का नाम होता है, जिससे कि हम लोग क्या देखते हैं कि कहीं भी एस लास्ट में लगा रहता है, हम लोग को क्या लगता है कि इसमें प्लूरल वर्ब आएगा, जैसे कि बॉय का अगर बॉयज बोलेंगे तो हम लोग आर लगाते हैं, पेन का पेंट्स बोलेंगे तो आर लगाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी नेम है कि उसमें एस लगा रहेगा लेकिन फिर भी लगाना है सिंगुलर वर्ब, जैसे मिजल्स बीमारी का नाम है, मंक्स भी बीमारी का नाम है, बिलियर्ड्स, डर्ट्स, डोमिनोज, है ना, ये सब गेम का नाम है, और डोमिनोज आपको मालूम है बढ़िया से, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स ये आपका कंट्री नेम है, द वेस्ट इंडीज सब क्लास में लगा हुआ देख रहे हैं ना, अरबियन नाइट्स ये बुक का नाम है, द राइवल्स ये भी बुक का नाम है, ठीक है, फिजिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स ये सब्जेक्ट का नाम है, और सबके लास्ट में लगा हुआ है, सबके लास्ट में लगा हुआ है, तो क्या करना है हम लोगों को? इसमें से कोई भी रहेगा, है ना,
बीमारी का नेम हो, कोई खेल का नाम हो, देश का नाम हो, बुक का नाम हो, सब्जेक्ट का नाम हो, इस सब में लगाना है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो देखने से लग रहा है कि प्लुरल फॉर्म है, लेकिन लगाना है सिंगुलर वर्ब। तो द यूनाइटेड स्टेट्स हैज की हैव, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज ए बिग आर्मी, तो हैज की हैव लगाना है सिंगुलर वर्ब, और सिंगुलर वर्ब में एस लगा होता है तो हैज लगाना है। क्या लगाना है? हैज। फिजिक्स, ठीक है, एस लगा हुआ है, फिर कोई बात नहीं, लगाना है सिंगुलर वर्ब। तो फिजिक्स डैश नॉट एट ई की सब्जेक्ट, तो इज गया, तो इज होगा। चलिए यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है क्या? आगे बढ़े, चलिए आगे लिखते हैं। तो हम लोग जनरली देख लिए हैं कि कोई भी सब्जेक्ट का नेम आ रहा है, कोई भी गेम का नाम आ रहा है, उसमें लगा रहा है सिंगुलर वर्ब। लेकिन कुछ इसमें रूल और भी है, देखा जाए बढ़िया से। देखिए रूल 30 क्या कह रहा है कि अगर वही सब्जेक्ट नेम में जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स के पहले, उसके पहले अगर द लग जाएगा या पजेसिव एडजेक्टिव लग जाएगा, ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है? माय, योर, हिज, हर, देयर, आवर, ये सब आपका पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और द क्या होता है? आर्टिकल होता है। तो अगर ये सब्जेक्ट के पहले, फिजिक्स हो, सिविक्स हो, मैथमेटिक्स हो, इसके पहले द लग जाए या पजेसिव एडजेक्टिव लग जाए जैसे माय, योर, हिज, आवर, तो इसमें क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब लगेगा। हाँ, जब ऐसा फॉर्मेट रहेगा कि सब्जेक्ट नेम के पहले द लग जाएगा और पजेसिव एडजेक्टिव हो तो वर्ब प्लूरल वर्ब, लेकिन जब ऐसा नहीं रहेगा तो सिंगुलर वर्ब। तो बोलिए हिज मैथमेटिक्स है ना, देखिए कल हिज पढ़ आएंगे तो क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज, लेकिन इसके पहले हिज आ गया है और हिज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है तो कैसा वर्ब? प्लूरल वर्ब आर हो जाएगा। आगे देखिए द फिजिक्स ऑफ मोहन, तो देखिए द लग गया है तो इज गया तो आर, कोई दिक्कत है क्या? अगर द को और पजेसिव एडजेक्टिव को हटा देंगे तो अभी भी सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन रूल है कि द हो, पजेसिव एडजेक्टिव हो तो प्लूरल वर्ब, कोई दिक्कत नहीं क्या? चलिए बताएंगे आज की क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएंगे और लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। जय हो, जय हिंद।